ऐसे ही ना जवाब देना सीखिए, ठीक है, इसलिए बताया था। किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, आंख मत झुकाइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, छीनना सीखिए। ये क्या हमें समय नहीं देंगे, आप कहें कि और बोलिए। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बचपन से गिड़गिड़ाते हुए जिया है, देखा है, कुछ नहीं मिला। जब से लड़ रहा हूँ तब से सब कुछ हासिल किया है। मैं पिछले 15 साल से अपने गांव नहीं गया हूँ। अजूले रिकॉर्ड दबा दीजिए। लेकिन मैं खुश हूँ, और मध्य प्रदेश हो या इस देश के तमाम गांव हो, जैसे आपका गांव है, हर गांव की हालत एक ही जैसी है, और सब जगह बहुजन समाज की हालत आप ही जैसी है। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस गांव में इतनी सारी महिलाएं पंक्ति में बैठी हुई हैं। और इससे पहले एक मास्टर साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया। इसमें से कितने लोग हैं जो सावित्री बाई को जानती हैं? महिलाएं सावित्री बाई फुले को जानती हैं? ये तस्वीर लगी है उनकी, देख लीजिए, ये तस्वीर है। पता है आपको सावित्री बाई फुले कौन थी? बिल्कुल समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप मान लीजिए कि सावित्री बाई फुले ने आज से 200 साल पहले, 200 से भी ज्यादा साल पहले, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। और उस समय आज से भी ज्यादा बुरी हालत थी, और जो पंडित जी लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं किसी ऊंची जात छोटी जात नहीं कहता हूँ, जो अपने आप को ऊंची जात वाले कहते हैं, ठीक करना भैया, उनकी भी बहन बेटियां नहीं पढ़ती थी, गुरुकुल होता था। सीता माता को पढ़ते हुए देखे हैं रामायण महाभारत में? नहीं ना। रामचंद्र को खाली तीर चलाने आता था, वही जाता था। तो वैसे ही हालत थी। सावित्री बाई फुले ने स्कूल खोला तो उस पर गंदगी फेंकते थे लोग, तो उन्होंने वो 2 साड़ी रखती थी अपने बैग में, और 1 साड़ी नहा के, और ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, 200 साल पहले की बात है। सावित्री बाई फुले नाम था, और उनको बच्चा नहीं हुआ तो उनके पति को कहा कि दूसरी शादी कर, उन्होंने नहीं की, और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया यशवंत, और उनको डॉक्टर बनाया, और उसी पुणे में लोगों की सेवा करते हुए मर गए। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज से यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, वो कसम खा लीजिए कि अपने बच्चे से बर्तन साफ नहीं करवाएंगे, काम नहीं करेंगे। जैसे मेरी माँ ने मजदूरी करके, आज भी मेरी माँ बकरी पालती हैं और भैंस पालती हैं, और 2-3 लाख रुपया सालाना कमा लेती है। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, 10+2 ग्रेजुएशन, और तब जाकर वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। एक परिवार को तकलीफ उठानी पड़ेगी। और तय मानिए आप लोग, मुझे तो कभी कभी भरोसा नहीं होता है कि हमारे लोग जिंदा कैसे। मैं तो सचमुच इतनी गरीबी में जिंदा नहीं रह सकता, या तो लड़ूंगा या मर जाऊंगा। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे माँ बाप, आप तमाम लोग इतनी मजबूरी में, इतनी गरीबी में, बिना खाए, बिना अच्छा पहने कैसे हम लोग जी रहे हैं। बहुत मुश्किल है आपकी तरह जीना, और बहुत मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग हैं आप लोग। खेती आप करते हैं, मवेशी आप पालते हैं, गाय आप पालते हैं। कोई 100 रुपए देके 2 किलो दूध खरीद के जाता है और वो गोरा हो जाता है, और उस चाहते हैं कि आपका बच्चा भी उसी तरह से गोरा हो। तो आप अपने बेटी हो या बेटा हो, उसको स्कूल भेजिए, और कोई कुछ नहीं देने वाला, एकदम लिख के रख लीजिए, ना मैं दूंगा, ना विधायक जी देंगे, ना कोई PM देगा, ना CM देगा, कोई कुछ नहीं देगा। आपको अपनी किस्मत खुद बदलनी पड़ेगी। और आपने अगर एक चीज तय कर लिया कि हम अपने बच्चा को पढ़ाएंगे, आप मान लीजिए अगर आपको देना होता, कोई भगवान देने वाला होता, कोई मंत्री देने वाला होता, कोई शंभू देने वाला होता, तो आप लोग सालों साल से पूजा पाठ करें, कुछ मिला क्या? आप दान पेटी हटा दीजिए मंदिर से, पुजारी सबसे पहले वो मंदिर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो उसका रोजी रोटी है। कोई भगवान भगवान नहीं है, लिख लीजिए आप, बुद्ध भगवान नहीं थे, वो हमारे तरह आपकी तरह इंसान थे, जो अच्छा सोचते थे, और वो किसी से नफरत नहीं करते थे, सबका सम्मान करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए आप लोग तय मानिए, जिस दिन आप पढ़ लिख गए, अपने अधिकार को जान लिया, आप नहीं पढ़ पाए तो उस बच्चे को अपने को पढ़ाइए, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। और जब आपका बच्चा पढ़ने लिखने पढ़ लिख जाएगा ना,
तो दुकान खोलना है, नौकरी करनी है, नेता बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, वो तय कर लेगा 18 साल 20 साल के बाद। जैसे हो जितना मेहनत करना हो 18 20 साल तक अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए, स्कूल का रास्ता दिखाइए। अरे रुक जाइए ना मैडम, हो गया बस खत्म कर रहा हूँ। बैठ जाएंगे ठीक है, उनको जाने दीजिए, काम होगा उनको। तो काम आप लोगों ने जो तकलीफें उठाई है वो अपने बच्चे को मत उठाने दीजिए, पढ़िए लिखिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए, बस इससे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे आपकी किस्मत बदलने वाली है। और टीवी देखना बंद कर दीजिए, गाँव गाँव में सबके टीवी कितने लोग के पास है, टेलीविजन टीवी किसी के पास नहीं है, अरे तो हाथ उठा दो ना भाई, टीवी कितने के पास है। जिनके जिनके घर में टीवी है ना उनका बच्चा उनकी किस्मत एकदम बर्बाद है, लिख लीजिए। वो जो आप टीवी सीरियल देखते हैं ना सास बहू और साजिश, जो गहना पहने रहती है सुंदर सुंदर साड़ियां, वो सब आपको ठगने के लिए है। टीवी बंद कीजिए, अखबार बंद कीजिए, किताब खरीदना शुरू कीजिए, अम्बेडकर की किताब, फूले की किताब। और जिस दिन वो आप पढ़ लेंगी ना, आप नेताजी से भी सवाल करना शुरू कर देंगे, कोई आपका हक नहीं मारेगा। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये सच है। मैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैं वो आपके राहुल गांधी मोदी सबको रोज देखता हूँ, मिलता भी हूँ, बात सवाल भी पूछ लेता हूँ। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने से आती है और कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है। और मैं बहुत खुश हूँ कि गांव के लोग इतनी संख्या में जमा है और प्रोग्राम सावित्री बाई पर है, मुझे लगा था सावित्री बाई के बारे में बात होगी, इसलिए मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब सावित्री बाई के बारे में बात करेंगे, वोट के बारे में बात करेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ कि ये कौन सा विधानसभा कौन सा है विधायक जी आपका, भिंड, इतना तो मैं जानता हूँ कि भिंड के लोग होशियार तो जरूर होंगे, वो अपनी पार्टी को पहचानते हैं, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में कोई और जीत गया, 15 साल से कोई और था, पिछले 70-65 साल से कोई और सरकार चला रहा है। राजनीति आपको नहीं बताऊंगा, उस पर लंबा भाषण होता है, राजनीति में आप लोग मास्टर हैं, नहीं तो आपके अपने पार्टी का विधायक नहीं होता है। तो आप लोग देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से होशियार हैं, जिसने हवा बहाने वाला टीवी अखबार को छोड़ के अपनी पार्टी का विधायक बनाया है। बस आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, नेताजी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने इनको बनाया है। ये आपको ये अब कंटिन्यू करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि ये हमेशा आप इनको जिताइएगा, लेकिन एक बात तय मानिए कि सब कुछ आपकी पढ़ाई से बदलेगा। आप लोगों से गुजारिश है, पैर छू के बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, किसी मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाना एकदम कसम खा लीजिए कि बच्चे को पढ़ाएंगे चाहे जमीन बिक जाए। शुक्रिया आप सब। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।